गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, भू संतुलन की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। भू संतुलन है, जैसा नाम से स्पष्ट है, भू यानी पृथ्वी, संतुलन यानी स्थिरता। अब धरातल पर ये संतुलन की जो दशा है, स्थिरता की जो दशा है, वो किस प्रकार है, कैसे संतुलन की स्थिति धरातल पर बनी हुई है, इसकी यदि अपन बात करें तो आप देखिए कि भू संतुलन यानी संतुलन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के आइसोस्टेसी शब्द से बना है, और आइसोस्टेसी शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो स्थिर खड़े रहना या समान रूप से खड़े रहना। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस शब्द से बना है, और आइसोस्टेसियस ग्रीक भाषा का जो शब्द है उसका अर्थ भी स्थिर रहना या समान रूप से खड़े रहना। अर्थात धरातल या पृथ्वी के जो भूभाग हैं, अब वो भूभाग चाहे ऊंचे उठे हुए भूभाग हो या नीचे धसे हुए भूभाग हो, अब ऊपर उठे हुए भूभाग अर्थात अपन कह सकते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, नीचे धसे हुए भूभाग अर्थात अपन कह सकते हैं कि महासागरीय भाग यानी जलीय जो भाग है, गर्त है, बेसिन है, तो ऊंचे उठे हुए भूभाग यानी महाद्वीपीय भाग, नीचे धसे हुए भूभाग यानी महासागरीय भाग, और महाद्वीपीय और महासागरीय भागों के मध्य अर्थात उच्च भाग और निम्न भागों के मध्य संतुलन की जो दशा है वो संतुलन की दशा ही क्या कहलाती है, भू संतुलन कहलाती है। अर्थात धरातल पर जो स्थिरता की दशा है वो चाहे महाद्वीप और महासागरों के मध्य हो, चाहे उच्च भाग और निम्न भागों के मध्य में हो। संपूर्ण पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की यदि अपन बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल यदि अपन 100% माने तो लगभग 21% जो भाग है, 29% जो भाग है उस पर महाद्वीपों का विस्तार है, जबकि 73% भाग पे जल यानी महासागरों का विस्तार है। तो एक तरफ 29% भाग है वो ऊंचा उठा हुआ, जबकि 71% भाग है वो नीचे दसा हुआ है। फिर भी धरातल पर इन उच्च और निम्न भागों के मध्य 71 और 29 यानी 71 और 29% भागों के मध्य संतुलन की जो दशा बनी हुई है, स्थिरता की जो दशा बनी हुई है, उसे ही भू संतुलन कहा जाता है। भू संतुलन जो अंग्रेजी भाषा के आइसोस्टेसी से बना है, तो आइसोस्टेसी या संतुलन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो 1889 में डटन ने किया था। डटन के शब्दों में यदि बात की जाए कि संतुलन क्या है, तो डटन के अनुसार ऊंचे उठे भागों व नीचे दसे भागों के मध्य स्थिरता की जो दशा है वो दशा ही क्या कहलाती है, भू संतुलन कहलाती है। अब डटन दूसरी बात यहाँ पे जो कहता है कि डटन के अनुसार ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व क्या होगा, कम होगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है कि ऊंचे उठे हुए जो भूभाग है अर्थात महाद्वीपीय भाग, और महाद्वीपीय भागों की भी यदि अपन बात करें स्थलखंड, और स्थलखंड की भी यदि अपन बात कहें तो पर्वत, पठार और मैदान। अब जैसे अपन कह रहे हैं कि पर्वत सबसे ऊंचे उठे हुए भाग हैं, तो सबसे कम जो घनत्व होगा वो किसका होगा, पर्वतों का होगा। पठार की जो ऊंचाई है वो पर्वतों से कम है लेकिन घनत्व पर्वतों की तुलना में अधिक होगा। मैदान की जो ऊंचाई है वो पठार से कम है लेकिन घनत्व पठार की तुलना में अधिक होगा। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि स्थलखंड के जो भाग हैं, स्थलीय जो भाग हैं, उनमें पर्वत सबसे ऊंचे भाग लेकिन सबसे कम घनत्व भी किसका है, पर्वतों का। मैदान सबसे नीचे भाग है, निम्न ऊंचाई के भाग है लेकिन सबसे अधिक जो घनत्व है वो किसका है, मैदान का है। इसी प्रकार यदि अपन बात कहें कि नीचे दसे भागों का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। जैसे अपन यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बात करें तो महाद्वीप और महासागर, अब दोनों के घनत्व की यदि अपन बात की जाती है तो महाद्वीपीय जो भाग हैं जो सियाल निर्मित हैं, महाद्वीपीय जो भाग हैं जो सियाल निर्मित है, तो सियाल का घनत्व क्या है, कम है। जबकि सीमा जो महासागरीय भाग है, जलीय भाग है, उनका घनत्व क्या है, अधिक है। यानी महाद्वीपीय जो भाग है, सियाल है, वो ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। सीमा जो जलीय भाग है, महासागरीय भाग है, जो नीचे दसा हुआ है, उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि डटन ने कहा है कि जो क्षेत्र जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम, और जो क्षेत्र जितना नीचे दसा हुआ है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। लेकिन डटन यहाँ पे दूसरी बात कहता है कि
कि जब ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम है, नीचे दसे भागों का घनत्व जब अधिक है, तो धरातल पर यह संतुलन की जो स्थिति है वो कैसे बनी हुई है। अब ये संतुलन की स्थिति कैसे बनी हुई है ये आप देखिए। डटन कहता है कि ये घनत्व में जो भिन्नता है, घनत्व भिन्नता कौन सी, ऊंचे उठे भाग और नीचे दसे भाग, ये घनत्व में जो भिन्नता है वो धरातल के नीचे एक निश्चित रेखा तक है। ये एक रेखा कह सकते हैं अपन, एक निश्चित क्षेत्र कह सकते हैं, निश्चित तल कह सकते हैं, जिसके ऊपर इन सभी यानी ऊंचे उठे हुए और नीचे दसे हुए भागों का घनत्व क्या है, असमान है। लेकिन उस रेखा के नीचे, उस तल के नीचे, ऊंचे उठे हुए और नीचे दसे हुए दोनों भागों का घनत्व क्या होगा, समान होगा। और वो तल, वो रेखा, वो क्षेत्र जिसके नीचे सभी पदार्थों का, सभी भागों का घनत्व समान होता है, उस तल को क्या कहा जाता है, सम दबाव तल, या जिसको क्या कहा जाता है, समतोल तल, या जिसको क्या कहा जाता है, क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं डटन के अनुसार कि धरातल पर ऊंचे उठे हुए भूभागों, नीचे दसे हुए भूभागों के मध्य जो संतुलन बना हुआ है, जो भूत संतुलन की जो स्थिति है, वो किसके कारण है, इस सम दबाव तल के कारण है, इस समतोल तल के कारण है, इस क्षतिपूर्ति तल के कारण है। और क्षतिपूर्ति तल के ऊपर सभी का घनत्व असमान, लेकिन क्षतिपूर्ति तल के नीचे सभी भागों का, चाहे वो ऊंचा उठा हुआ भूभाग हो, चाहे वो नीचे दसा हुआ भूभाग हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, चाहे गर्त हो, चाहे बेसिन हो, सभी का घनत्व क्या होगा, समान होगा। और घनत्व जब समान होगा तो धरातल पर कौन सी स्थिति होगी, संतुलन की स्थिति होगी। तो भू संतुलन की यहाँ पे यदि बात की जाए, आइसोस्टेसी की यदि बात की जाए, तो आइसोस्टेसी मानी जाती है कि धरातल पर जो संतुलन बना हुआ है, ऊंचे उठे हुए भूभागों, नीचे दसे भूभागों के मध्य संतुलन या स्थिरता की जो दशा है वो किस कारण से है। तो डटन जो बात कहता है, तो डटन के शब्दों में यदि बात की जाए तो संतुलन की जो दशा है वो किसके कारण है, क्षतिपूर्ति तल के कारण है या सम दबाव तल के कारण है। दूसरी बात करें, अब ये संतुलन का जो सिद्धांत है, कंसेप्ट ऑफ जो आइसोस्टेसी है, तो आइसोस्टेसी या इस समस्थिति को प्रतिपादित करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए कई भूगोलवेताओं ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लेकिन संतुलन के संबंध में सर्वप्रथम जो प्रयास किया है वो किसने किया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। सबसे पहले जो प्रयास किया था वो किसने किया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने, जो ब्रिटिश भूगोलवेता हैं। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले भू संतुलन को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 1859 में हिमालय के पर्वतपतीय जो क्षेत्र है, यानी सिंधु गंगा जो मैदान है, तो सिंधु गंगा मैदान के अक्षांशों के आधार पर भू सर्वेक्षण का कार्य इन्होंने किया। और भू सर्वेक्षण के आधार पर सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि धरातल पर जो संतुलन है वो किस कारण से है। तो जॉर्ज एवरेस्ट ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए, भू संतुलन को प्रतिपादित करने के लिए, हिमालय के पर्वतपतीय क्षेत्र में दो स्थानों का चयन किया, कल्याण और कल्याणपुर। इन दोनों स्थानों का अक्षांशी जो माप है, और अक्षांशी माप के साथ यदि अपन बात करें तो इन दोनों स्थानों की हिमालय से लगभग जो दूरी थी, यानी कल्याण की जो दूरी थी वो 60 मील, जबकि कल्याणपुर की जो दूरी थी वो 460 मील। यानी कल्याण हिमालय के निकट था और कल्याणपुर हिमालय से अधिक दूरी पर स्थित था। दोनों ही मैदानी भाग है जो हिमालय के तटीय क्षेत्र में स्थित हैं, लेकिन दोनों का अक्षांशीय जो मान है वो समान था। एवरेस्ट ने इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए क्या किया कि गंगा सिंधु मैदान के दो स्थान, कल्याण और कल्याणपुर का चयन किया और वहां का अक्षांशीय माप निर्धारित किया गया। जब अक्षांशीय माप निर्धारित किया गया तो अक्षांशीय माप निर्धारित करने के लिए दो विधियां काम में ली जाती हैं। एक तो खगोलीय विधि। खगोलीय विधि में किसका उपयोग किया जाता है, पेंडुलम नुमा घड़ी का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है त्रिभुजीय विधि, यानी ट्रायंगल मेथड के द्वारा भी अक्षांशीय जो मान है वो निर्धारित किया जाता है। अब आप देखिए एवरेस्ट ने क्या किया, कल्याण जो हिमालय से 60 मील की दूरी पर स्थित था, उसका अक्षांशीय मान निकाला। कौन सी विधि से, खगोलीय विधि से। जब खगोलीय विधि से एवरेस्ट ने कल्याण का अक्षांशीय मान जब ज्ञात किया तो कितना माना है, 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकंड,
यानी खगोलीय विधि से, यानी पेंडुलम नुमा घड़ी की सहायता से जब कल्याण का अक्षांश माप निकाला गया, माप जब ज्ञात किया गया, अक्षांश जब निर्धारित किया गया, तो अक्षांश मान कितना आया? 5 degree 23 minute 42.294 seconds। और उसी कल्याण का जब त्रिभुजी विधि से अक्षांश माप निर्धारित हुआ, जब निर्धारित किया गया, तो अक्षांश मान कितना आया? 5 degree 23 minute 37.058 seconds। अर्थात कल्याण का अक्षांश माप का जो अंतर रहा दोनों विधियों से, खगोली विधि और त्रिभुजी विधि से, दोनों का जो अंतर रहा वो कितना रहा? 5.236 seconds। अर्थात यहाँ पे आप देखिए, एवरेस्ट ने जब कल्याण का अक्षांश मान जब निकाला, तो खगोली विधि और त्रिभुजी विधि दोनों का अक्षांश मान क्या आना चाहिए था? समान आना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही स्थान हिमालय से समान अक्षांश पर स्थित है, लेकिन दूरी में भिन्नता थी। जब खगोली विधि और त्रिभुजी विधि दोनों से जब अक्षांश मान निर्धारित हुआ, तो अंतर कितना रहा? 5.236 seconds का। और इस अंतर को जब प्रमाणित प्रतिपादित किया गया, स्पष्ट जब किया गया, तो एरी ने इस अंतर का कारण क्या बताया? एरी ने कहा कि हिमालय है वो खोखले पदार्थों से निर्मित है, यानी हिमालय है वो हल्के पदार्थों से निर्मित है, जिसके कारण अक्षांश मान का अंतर कितना रहा? 5.236 seconds का। लेकिन जब ये बात प्राट तक जब पहुंचे, तो प्राट ने इसका विश्लेषण क्या किया? प्राट ने कहा कि यदि हिमालय हल्के पदार्थों से निर्मित है, हिमालय यदि खोखला भाग है, तो अक्षांश मान का अंतर 5.236 seconds का नहीं होकर कितना होना चाहिए? 15.885 seconds का होना चाहिए। एवरेस्ट ने कहा कि 5.236 seconds का अंतर रहा। एरी ने इसको कहा कि हिमालय है वो हल्के पदार्थों से निर्मित है, इसके कारण हिमालय ने पेंडुलम को अपनी ओर कम आकर्षित किया होगा, जिसके कारण ये अंतर 5.236 seconds का रहा। लेकिन प्राट ने कहा कि हिमालय यदि हल्के पदार्थों से निर्मित है, हिमालय यदि खोखला भाग है, हिमालय का निर्माण यदि हल्के पदार्थों से हुआ है, हिमालय का घनत्व यदि कम है, हिमालय आंतरिक रूप में आंतरिक भाग से यदि बुलबुले नुमा है, तो पेंडुलम को और कम आकर्षित करना चाहिए था, जिसके कारण अंतर 5.236 seconds का नहीं होकर 15.885 seconds का होना चाहिए। अब इस भू संतुलन को जब प्रतिपादित किया गया, और जब इस एवरेस्ट प्राट और एरी की बात विचारों की यदि बात की जाए, तो एक कॉमन रूप से जो बात निकल के आती है कि अक्षांश मान का जो अंतर रहा है कल्याण और कल्याणपुर का, तो अंतर रहने का जो मूल कारण है कि हिमालय है वो हल्के पदार्थों से निर्मित है, और हिमालय हल्के पदार्थों से निर्मित होने के कारण, या वो बुलबुले नुमा होने के कारण, या उसका घनत्व तो कम होने के कारण उसने जो अक्षांश माप का जो अंतर है वो 5.236 seconds एरी के अनुसार, एवरेस्ट के अनुसार, और 15.885 seconds का अंतर प्राट के अनुसार। तो कहने की बात है कि अक्षांश मान में अंतर रहा है, अक्षांश मान में अंतर रहने का अर्थ है कि घनत्व में भिन्नता होगी, या हिमालय है वो हल्के पदार्थों से बना हुआ होगा। अब यदि हिमालय का निर्माण हल्के पदार्थों से हुआ है, या उसका घनत्व कम है, तो धरातल पर संतुलन की जो स्थिति है वो किस कारण से है? तो इस संतुलन को प्रतिपादित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, सर जॉर्ज एरी ने अपने भू संतुलन संकल्पना का प्रतिपादन किया। एरी ने जब अपने संकल्पना का जब प्रतिपादन किया, तो एरी ने कहा कि जो क्षेत्र जितना अधिक ऊंचा होगा, जो क्षेत्र जितना अधिक ऊंचा होगा, जैसे डटन ने भी कहा है, तो यहाँ पे एरी कहता है कि धरातल के जो भाग हैं उनका घनत्व क्या है? समान है, लेकिन उनकी गहराई क्या है? असमान है। कि जो क्षेत्र, जैसे अपन कहें कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, या अपन कहें कि महाद्वीप और महासागर है, तो महाद्वीप और महासागरों का घनत्व क्या होगा? समान होगा, लेकिन गहराई क्या होगी? असमान होगी। यानी जो क्षेत्र जितना अधिक ऊंचा होगा वो उतना ही जल में डूबा हुआ होगा। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने कहा कि यदि धरातल पर संतुलन है, अब संतुलन कैसे, जैसे अपन कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जल पर तभी तैर सकती है जब उसका 1/9 भाग किसमें डूबा हुआ हो? जल में डूबा हुआ हो।
यहाँ पे यदि दोबारा यहाँ पे अपन बात को स्पष्ट करना चाहे कि ये कोई भी पदार्थ, जैसे अपन कह सकते हैं बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है, जहाज है, नाव है, वो जल पर तैरती है, तो उसका 9 भाग यानी कुल माप का यदि अपन कहेंगे 100%, तो 90% भाग किसमें डूबा हुआ होगा, जल में डूबा हुआ होगा, तभी वो वस्तु जल के ऊपर तैर सकती है। अर्थात बर्फ का टुकड़ा जल पर उसी अवस्था में तैरता है जब उसका 1/9 भाग जल में डूबा हुआ हो। अर्थात जो महाद्वीप है, उसका 1/9 भाग किसमें डूबा हुआ है, महासागरों में डूबा हुआ है। जैसे वेगनर ने भी कहा था और इस सिद्धांत के प्रारंभ में डटन ने भी कहा कि सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। तो सियाल जो महाद्वीपीय भाग है, सीमा जो महासागरीय भाग है, तो महाद्वीपीय भाग जो महासागरों पर तैर रहे हैं उसका मूल कारण, मूल आधार क्या है कि जो महाद्वीप है, जो स्थलीय भाग है, उसका 1/9 भाग किसमें डूबा हुआ है, जल में डूबा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे एरी कहता है कि जो महाद्वीपीय भाग है या जो भी पदार्थ है, सभी का घनत्व क्या है, समान है। जैसे अपन कहें कि महाद्वीप और महासागर दोनों का घनत्व क्या है, समान है। जैसे अपन कहें महाद्वीप में भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, चाहे वो प्रथम श्रेणी की ऊंचाउच हो, चाहे वो द्वितीय श्रेणी की ऊंचाउच हो, चाहे वो तृतीय श्रेणी की ऊंचाउच हो, तो पर्वत, पठार, मैदान तीनों का घनत्व क्या होगा, समान होगा। किसके अनुसार, एरिया के अनुसार घनत्व समान होगा, लेकिन उनकी गहराई क्या होगी, असमान होगी। जैसे अपन कहें कि पर्वत सबसे ऊंचे भाग हैं, तो सबसे अधिक गहरे भाग भी कौन से होंगे, पर्वत होंगे। पठार की ऊंचाई पर्वतों से कम है, तो गहराई भी क्या होगी, पर्वतों से कम होगी। मैदान सबसे निचले भाग है, तो सबसे कम डूबा हुआ भाग भी कौन सा होगा, मैदान होगा। यानी घनत्व समान है, लेकिन भिन्नता किस में है, गहराई में भिन्नता है। यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखिए कि ये महासागरीय भाग है, ये इसका सागर सतह है, दस्तर जिसको कहा जाता है, तो उसके ऊपर मैदान, पठार, पर्वत। तो मैदान का घनत्व भी 3 है, पठार का घनत्व भी 3 है, पर्वत का घनत्व भी 3 है, लेकिन यहाँ पे गहराई देखिए कि पर्वत सबसे ऊंचे भाग हैं, तो सबसे अधिक गहरा भाग भी कौन सा है, पर्वत। पठार की ऊंचाई पर्वतों से कम है, तो गहराई भी क्या है, कम है। मैदान की ऊंचाई पठार से कम है, तो गहराई भी क्या है, कम है। अर्थात एरी ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए, किस बात को, कि घनत्व समान होगा और गहराई असमान होगी, इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने क्या किया, एक जल से भरा हुआ पात्र लिया। उस पात्र में समान घनत्व और असमान माप, माप यानी लंबाई, घनत्व सभी का समान था लेकिन उनकी लंबाई में क्या थी, भिन्नता थी। तो समान घनत्व और असमान माप के लकड़ी के टुकड़े लिए। जब उन असमान माप लकड़ी के टुकड़ों को जब जल में डुबोया, यानी आप पर्वत, पठार, मैदान की जगह आप लकड़ी के टुकड़ों की भी बात कह सकते हैं, उदाहरण अपन उनका भी ले सकते हैं, तो उन असमान माप और समान घनत्व वाले लकड़ी के टुकड़ों को जब जल में डुबोया गया, तो सभी लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो अपनी माप के अनुसार जल में डूबते गए। अर्थात जिस लकड़ी के टुकड़े की माप अधिक थी वो अधिक गहराई तक डूबा, जिसकी माप सबसे कम थी वो सबसे कम गहराई तक डूबा। अर्थात घनत्व क्या रहा, समान, और गहराई क्या रही, असमान। तो धरातल पर संतुलन की जो स्थिति बनी हुई है, किसके अनुसार, एरी के अनुसार, तो धरातल पर संतुलन की जो स्थिति है वो किस कारण से है, कि धरातल के सभी भागों का घनत्व समान है लेकिन उनकी गहराई क्या है, असमान है। तो ये तो बात आती है एरी के अनुसार। एरी ने जो कहा कि घनत्व समान होगा, गहराई असमान होगी, महाद्वीपीय भाग, महासागरीय भाग सभी का घनत्व समान है लेकिन उनकी गहराई में क्या है, भिन्नता है, कि जो क्षेत्र जितना ऊंचा होगा उसकी गहराई उतनी ही अधिक होगी, जो क्षेत्र जितना कम ऊंचा होगा यानी नीचा होगा उसकी गहराई भी उतनी ही कम होगी। ये तो बात आती है प्राट के शब्दों में। अब अपन बात करते हैं एरी के शब्दों में। अब एरी के शब्दों में जो प्राट, एरी ने कहा कि समान घनत्व होगा, गहराई असमान होगी, प्राट के शब्दों में, प्राट ने बिल्कुल एरी से विपरीत बात कही है, कि जो बात एरी ने कही उसके बिल्कुल विपरीत जो स्थिति है वो किसकी है, प्राट की। प्राट ने कहा कि धरातल पर संतुलन की जो स्थिति है वो किस कारण से है, कि महाद्वीपीय भाग हो चाहे महासागरीय भाग हो, या ऊंचे उठे हुए भाग हो चाहे नीचे दसे हुए भाग हो, तो उनकी गहराई क्या होगी, असमान होगी, लेकिन घनत्व क्या होगा, समान होगा।
गहराई समान होगी लेकिन घनत्व क्या होगा? असमान होगा। अब दूसरी बात यहां पे प्रार्थ जो कहता है, एरे ने कहा कि गहराई असमान, घनत्व समान, गहराई असमान, और प्रार्थ कहता है कि गहराई समान होगी लेकिन घनत्व क्या होगा? असमान होगा। यहाँ पे स्लाइड में आपका उल्टा लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर दूंगा। तो गहराई समान है और घनत्व असमान है, अर्थात प्रार्थ के शब्दों में यदि दूसरी बात की जाए तो जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो स्तंभ जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। अब प्रार्थ ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि गहराई समान होगी और घनत्व असमान होगा, अब ये जो बात है गहराई असमान घनत्व समान, तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने क्या किया? एक प्रयोग किया। प्रार्थ ने क्या किया? एक प्रयोग किया, जैसा एरी ने भी किया। तो प्रार्थ ने असमान घनत्व वाले विभिन्न धातुओं के टुकड़े लिए जिनका घनत्व क्या था? असमान था। तो उन असमान घनत्व वाले धातुओं के टुकड़ों को जब जल में भरे हुए पात्र में जब डुबोया गया तो वे सभी धातुओं के टुकड़े समान गहराई तक डूबते गए, यानी उनका घनत्व तो क्या था? असमान था, लेकिन घनत्व तो क्या था? असमान था, लेकिन उनको जब जल से भरे हुए पात्र में जब डुबोया गया तो वे सभी धातुओं के टुकड़े समान गहराई तक डूबे, और जिस गहराई तक डूबे उस गहराई को, उस तल को, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है, या जिसको सम दबाव तल भी कहा जाता है। क्षतिपूर्ति तल कह दीजिए चाहे आप इसको क्षतिपूर्ति तल कह दीजिए, चाहे आप इसको सम दबाव तल कह दीजिए, समतोल तल आप कह दीजिए। तो असमान जो घनत्व है वो कहां तक होगा? एक निश्चित तल तक होगा, और उस तल के नीचे सभी पदार्थों का घनत्व क्या होगा? समान होगा। जैसे यहाँ पे अपन कहें कि प्रार्थ ने प्रयोग करने के लिए सिल्वर, जिंक, पेटम, टिन, आयरन, निकल, कॉपर, लेड, इन धातु के टुकड़े लिए जिनका घनत्व क्या था? असमान था, लेकिन जब जल में डुबोया गया तो ये सभी समान गहराई तक डूबे, और जिस गहराई तक ये डूबे, जहां तक इनकी गहराई समान रही, उसका निचला जो भाग है उस भाग को, उस तल को, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। अर्थात प्रार्थ के शब्दों में यदि बात करें तो क्षतिपूर्ति तल, सम दबाव तल, सम तोल तल एक ऐसा तल है जिसके ऊपर सभी पदार्थों का घनत्व असमान है। जैसे अपन कहें कि महाद्वीप और महासागर, इनका घनत्व क्षतिपूर्ति तल के ऊपर तो असमान है, लेकिन क्षतिपूर्ति तल के नीचे महाद्वीप और महासागरों का घनत्व क्या है? समान है। तो धरातल पर संतुलन की जो स्थिति बनी हुई है वो किस कारण से बनी हुई है? कि उस समतोल तल यानी क्षतिपूर्ति तल या सम दबाव तल के नीचे सभी का घनत्व समान, जबकि उसके ऊपर सभी का घनत्व असमान है। तो क्षतिपूर्ति तल के कारण धरातल पर संतुलन की स्थिति है वो बनी हुई है, और इसी बात का समर्थन किसने किया था? डटन ने किया था। डटन ने भी यही बात कही थी कि क्षतिपूर्ति तल एक ऐसा तल है जो धरातल पर संतुलन की स्थिति बनाए हुए है, क्योंकि क्षतिपूर्ति तल के ऊपर सभी पदार्थों का, सभी भागों का, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सभी का घनत्व असमान, लेकिन क्षतिपूर्ति तल के नीचे सभी भागों का, चाहे महाद्वीपीय भाग हो, चाहे महासागरीय भाग हो, सभी का घनत्व क्या है? समान है। और सभी का घनत्व समान होने के कारण धरातल पर संतुलन की स्थिति बनी हुई है। तो ये यहाँ पे अपन ने बात की भू संतुलन आइसोस्टेसी की। तो आइसोस्टेसी की यदि बात की जाए तो आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो डटन ने 1889 में, उसके बाद में संकल्पना के रूप में, सिद्धांत के रूप में सबसे पहले प्रतिपादन सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा, जिन्होंने भू संतुलन को प्रमाणित करने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए कल्याण, कल्याणपुर स्थान का उन्होंने भू सर्वेक्षण किया। भू सर्वेक्षण करने के लिए उन्होंने खगोलीय त्रिभुजीय दोनों विधि का उपयोग किया, और दोनों में अक्षांश मान का जो अंतर रहा वो 5.236 सेकेंड, जिसका एरी ने भी समर्थन किया, लेकिन प्रार्थ ने कहा कि ये अंतर 5.236 सेकंड का नहीं होकर 15.885 सेकंड का होना चाहिए। अब इसको प्रमाणित करने के लिए एरी ने अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया। एरी ने कहा कि धरातल के जो भाग हैं, जो भूभाग हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो महाद्वीप महासागर है, तो इनका घनत्व तो क्या है? समान है, लेकिन गहराई इनकी क्या होगी? असमान होगी। यानी जो क्षेत्र जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो क्षेत्र जितना नीचा होगा उसका घनत्व क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो धरातल पर जो संतुलन है वो किस कारण से है? कि सभी भागों का घनत्व समान है।
फिर दूसरी बात प्राट ने कहा, प्राट ने बिल्कुल विपरीत बात कही कि घनत्व असमान होगा लेकिन गहराई क्या होगी, समान होगी। अब घनत्व यदि असमान है, जैसे अपन कहेंगे विभिन्न धातुओं के टुकड़े हैं या अपन कहेंगे पर्वत पठार मैदान, तो पर्वतों का घनत्व कम, पठार का घनत्व अधिक और मैदान का घनत्व सबसे अधिक। लेकिन ये घनत्व भिन्नता कहाँ तक है, एक निश्चित तल तक है, क्योंकि सियाल निर्मित जो भाग है वो किसमें डूबे हुए हैं, सीमा यानी महासागर में। तो महासागर में एक ऐसा तल है जिसको अपन क्षतिपूर्ति तल कहते हैं, जिसको अपन सम दबाव तल कहते हैं, जिसको अपन समतोल तल कहते हैं, और जिस तल के नीचे सभी का घनत्व क्या है, समान है। तो धरातल पर जो संतुलन है, प्राट के शब्दों में यदि बात की जाए तो धरातल पर जो संतुलन है वो किस कारण से बना हुआ है, क्षतिपूर्ति तल के कारण बना हुआ है। तो ये अपन ने आज यहाँ पे टॉपिक की बात की, कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, भू संतुलन की संकल्पना, जिसमें अपन ने बात की, डटर की बात की, प्राट की बात की और एरी के विचारों की बात की।